आज बचपन में आप सोच लीजिए, बचपन में आपको जो चीजें या जो चॉकलेट्स और आइसक्रीम अच्छी लगती थी, आज वो इतनी अच्छी नहीं लगती होंगी, या हो सकता है अच्छी ना लगती हो, आप खाते ना हो, हेल्थ कॉन्शियस हो। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी वर मेकिंग सीरीज ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, सो इन दैट सीरीज दिस इज द नेक्स्ट वीडियो। सो डियर, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, दैट व्हाट एक्चुअली पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, एंड गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। इनफैक्ट if you just consider economics, this is very very important topic, very relevant topic. So हम लोग इसको बहुत डिटेल में और अच्छे से समझेंगे कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और इस वीडियो के बाद आपको पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आप उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अगर हम लोग पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की बात करें, I'm writing it in short as PO. So actually, ये Pareto optimality है क्या? So ये एक position है, एक ऐसी position जहां से आप किसी एक को का better off नहीं कर सकते without doing the worse of another. That means it is a position from where you cannot make someone better off without worsening someone. यानी एक का अच्छा करेंगे, इस पोजीशन पे अगर आप हैं तो यहाँ पे अगर आप एक का भला करेंगे, समझिए तो दूसरे का बुरा हो जाएगा, दूसरे का भला करेंगे तो पहले का बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक का भला कर रहे हैं तो दूसरा न्यूट्रल रहे या दूसरे का भी भला हो जाए। उनका कुछ और नाम है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ये बात हमें और ज्यादा क्लियर होगी। कि मान लेते हैं कि दो लोग हैं, दो कंज्यूमर्स हैं, ओके, वी हैव टू कंज्यूमर्स ए एंड बी, एंड वी हैव टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई, ठीक है, दो कंज्यूमर दो कमोडिटी। और मान लेते हैं कि ए का, ए एंड बी, ए का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो है 5x प्लस 1y, एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं बस आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। ए और बी ये दो कमोडिटीज x और y कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनका कंजम्पशन फंक्शन लिख रहा हूं मैं, और बी का कंजम्पशन फंक्शन है 5x प्लस 4y, ओके गाइस। अब मान लीजिए हमारे पास, ये तो आप जानते ही हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, तो मान लेते हैं कमोडिटी x हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स हैं कमोडिटी x की, राइट। और इस 10 यूनिट्स में आपने 5 b को दे रखी है, b कंज्यूम कर रहा है और 5 a कंज्यूम कर रहा है, ओके। नाउ लेट्स से हम a का कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं, उसकी यूटिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर एक ही हम यूटिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, उसको बेटर ऑफ कंडीशन में लाना चाहते हैं, तो मान लीजिए एक्स कमोडिटी का जो कंजम्पशन है ए का, उसे इंक्रीज कर देते हैं, तो ये 6x और वाई का सेम रखते हैं 4y। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, ए इज इन अ बेटर ऑफ कंडीशन, राइट, ठीक है। बी की चलिए मैं बात कर रहा हूं, ये बोल दिया बी इज नाउ इन अ बेटर ऑफ कंडीशन, इट इज इट्स इनिशियल कंजम्पशन फंक्शन वाज 5x प्लस 4y, नाउ इट इज 6x प्लस 4y, तो मैंने बी को बेटर ऑफ स्टेट में ले आया। लेकिन समझिए, अब अगर बी 6 यूनिट्स ऑफ x को कंज्यूम कर रहा है और मेरे पास टोटल ऑफ x तो 10 यूनिट्स था, तो इसका मतलब अब ए का जो एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन है वो डिक्लाइन हो जाएगा 4x प्लस 1y, यानी मैंने ए को क्या कर दिया, ए को मैंने वर्स ऑफ कर दिया, कैसे, बी को बेटर ऑफ करने के लिए ए का जो एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन था वो रिड्यूस कर दिया,
बोले बात समझ में आई। ये मैंने आपको कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से बताया, ठीक है। तो यानी जो पॉइंट थे ये पेरिटो ऑप्टिमल पॉइंट थे। खैर, अब जरा इसको प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिए। प्रोडक्शन में भी पेरिटो ऑप्टिमल हो सकता है। प्रोडक्शन से समझते हैं। मान लीजिए दो गुड्स हैं, कोई फर्म है वो दो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है, गुड एक्स एंड गुड वाई, और ये आपका, मैं काम करता हूं यहां पे पीपीएफ बना देता हूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये रहा पीपीएफ। अब किसी पॉइंट को ले लीजिए, एक ये पॉइंट ले लेते हैं, ओके। इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि n क्वांटिटी ऑफ गुड y वर कंज्यूम्ड एंड m क्वांटिटी ऑफ गुड x वाज कंज्यूम्ड, ठीक है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो n अमाउंट ऑफ गुड y वाज मैन्युफैक्चर्ड एंड m अमाउंट ऑफ गुड x वाज मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम लोग e नॉट बोल देते हैं, ओके। अब मान लीजिए होता क्या है कि डिमांड ऑफ गुड x इंक्रीजेस इन द मार्केट ड्यू टू एनी x y और z रीजन, डिमांड ऑफ गुड x हैज इंक्रीज्ड इन द मार्केट। तो अगर गुड x की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी तो फर्म क्या सोचेगी? फर्म का तो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो फर्म मोर एंड मोर ऑफ गुड x की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहेगी, यस और नो? तो फर्म अपना गुड x का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि फर्म के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वो रिसोर्सेज क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फर्म के पास लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड लेबर है। तो अगर फर्म गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो ऑटोमेटिकली गुड वाई का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सो लेट्स से टू इंक्रीज गुड एक्स प्रोडक्शन, वो इस पॉइंट पे आ जाती, इसको ईवन बोल दीजिए। अब देखिए यहां पर जो गुड एक्स था वो तो इंक्रीज कर गया, एम से एम डैश हो गया, लेकिन गुड वाई का प्रोडक्शन डिक्लाइन कर गया, वो एन से एन डैश हो गया, क्योंकि कैपिटल तो लिमिटेड थी, लेबर्स तो लिमिटेड थे। गुड एक्स ज्यादा बना रहे हो तो वही लेबर जो गुड वाई बना रहे थे उनमें से कुछ लेबर और कुछ कैपिटल को निकाल करके गुड एक्स में लगा दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ई नॉट हमारा क्या था? अब मैं अगर गुड एक्स को प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा हूं, यानी गुड एक्स को बेटर ऑफ कर रहा हूं, तो गुड वाई को मुझे ऑटोमेटिकली वर्स ऑफ करना पड़ेगा, यानी ई नॉट वॉज माय पेरिटो ऑप्टिमल। बोलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इसको हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुड एक्स और गुड वाई की बात करते हैं, तो इनिशियली मान लीजिए 5 लेबर्स लग रहे थे, 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लग रहा था गुड एक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, और वाई में 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लग रहा था। टोटल मेरे पास लेबर की 10 यूनिट्स है किसी एक फर्म के पास, मैं एक फर्म के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं, और कैपिटल की मेरे पास 5 यूनिट्स है, राइट? तो देखिए 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल गुड एक्स की मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉय कर रखा है और 3 यूनिट्स गुड वाई में, ठीक है, और 5 यूनिट्स लेबर दोनों में मैंने एम्प्लॉय कर रखा है। अब मुझे एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं ऑब्वियसली यहां पे लेबर इंक्रीज करूंगा, तो 5x से मान लीजिए 6 हो गया, ये 6L, और कैपिटल इंक्रीज करूंगा तो ये 3K हो गया। तो मैंने क्या किया? गुड एक्स को बेटर ऑफ कर दिया, इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाया, मेरा गुड वाई में जो मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय कर रखे थे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि टोटल तो सेम रहेगा, रिसोर्सेज लिमिटेड है। यानी गुड वाई का क्या हो गया? वर्स ऑफ हो गया। यानी पहले ये जिस स्टेट में थे वो कहलाती थी पेरिटो ऑप्टिमम। बोलिए बात समझ में आई पेरिटो ऑप्टिमम क्या होता है? ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ अजम्पशंस हैं जो पेरिटो ऑप्टिमैलिटी में हम इन अजम्पशंस को यूज करके काम करते हैं।
पहला assumption तो ये कि this is based on ordinal utility approach. यहाँ पे ordinal utility approach लागू होता है, apply होता है. ordinal utility का मतलब देखिए दो तरह के approach होते हैं. एक तो cardinal utility approach था जिसमें कि हम क्या करते थे, हम quantify करते थे. किस चीज को quantify करते थे, जो satisfaction derive हो रहा था consumption से. ordinal utility approach में हम कंजम्पशन को क्वांटिफाई नहीं करते हैं, रैदर हम रैंकिंग देते हैं. फॉर एग्जांपल किसी एक व्यक्ति ने दो बनानास और दो एप्पल खाए, उसे कुछ कंजम्पशन, उसे कुछ सेटिस्फैक्शन हुआ, ठीक है. फिर उसने दो पोमग्रेनेट्स खाए और दो आप मान लीजिए फोर स्ट्रॉबेरीज खाई, तो फिर उसे कुछ सेटिस्फैक्शन हुआ. तो अब उससे कहा गया कि आप इसको रैंक कर दीजिए कि आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन किसको खाने में हुआ. तो रैंकिंग तो इजीली कर सकता है, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होता है, ठीक है. सेकंड इज दिस इज फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट. क्या मतलब है वैल्यू जजमेंट का, देखिए समझिएगा. नॉर्मली क्या होता है डे टू डे लाइफ में, जैसे समय बीतता है हम लोग के टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं. आज बचपन में आप सोच लीजिए, बचपन में आपको जो चीज़ें या जो चॉकलेट्स और आइसक्रीम अच्छी लगती थी, आज वो इतनी अच्छी नहीं लगती होंगी, या हो सकता है अच्छी ना लगती हो, आप खाते ना हो, हेल्थ कॉन्शियस हो, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस विद स्पैन ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं. लेकिन यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस कॉन्स्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे. यानी अगर किसी कंज्यूमर को मैगी अच्छी लगती थी 2 साल पहले, तो आज उसे मैगी अच्छी लगती है और टॉप रेमन में स्विच नहीं कर गया होगा, ठीक है. ओके, तो ये तो बात हो गई आपके अजम्पशंस की. अब हम लोग एस्पेक्ट्स ऑफ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अभी आज के वीडियो में मैंने आपको पेरेटो ऑप्टिमम क्या होता है, इसके क्या अजम्पशंस हैं, ये कंजम्पशन फंक्शन के थ्रू या प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू कैसे ऑपरेट करता है, ये समझा दिया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं और उनको समझ लेंगे, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा. और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए. हम उस टॉपिक पे या उस क्वेरी को जरूर एड्रेस करेंगे, उस पे वीडियो बनाएंगे. क्योंकि सी गाइस, ये वीडियोस आपकी हेल्प के लिए हैं, आपके प्रिपरेशन को एक एज देने के लिए हैं. सो मेक बेस्ट यूज ऑफ इट, ओके. एंड हाँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, तो इससे एक सपोर्ट मिलता है और वीडियोस बनाने की इच्छा होती है. थैंक यू.